वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। आज है ट्यूसडे और अभी सुबह है, तो इसीलिए गुड मॉर्निंग। एंड आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो इसी वजह से सॉरी। हाँ, क्या क्या है ये? अच्छा, मैंने अभी हेयर वॉश किया है, हेयर वॉश अभी अभी किया है मैंने। अद्विक ने नहाया नहीं है अभी तक, अद्विक नहा लेगा अभी। अद्विक नहाओगे ना आप? हाँ। कैसे दिख रहे हो आप? देखो कैसे दिख रहे हो, गंदे से। हाय बोल दो एक बार। हाँ, दीदी को भी बुला रहे थे। हाँ, आप बोलो हाय। बंदूक मारू? बंदूक मारू, अच्छा बंदूक। ओ ओ अच्छा, मेरे हेयर पर मारोगे आप? पानी नहीं है। पानी नहीं है उसमें। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, बट उसके लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से, मतलब आपको पता ही है कि जिम ज्वाइन किया है, तब से क्या हो रहा है कि आपसे बात करना चाह रही हूँ, फिर भी क्या हो रहा है, बॉडी पेन इतना हो रहा है। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे मैं वहाँ पर जा रही हूँ, एक्सरसाइज अलग अलग पार्ट की हो रही है, तो वैसे वैसे वो पार्ट पर्टिकुलर पेन कर रहा है, तो इसी वजह से मेरा मन ही कर रहा था। मैं मास्टर एंड टिप्स पे भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पर भी बहुत कम कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ दिन मतलब यूज होने के लिए टाइम लगेगा। हाँ क्या है? हाँ हाय। हाँ आप नहा लो बेटा, जाओ जाओ। हाँ हाँ नहाओ नहाओ टब मधे। हो तुला आंघोड़ करून देते मैं। तो अभी भी मैंने हेयर वॉश किया है, अभी ने नहा लिया है मैंने और हेयर वॉश किया है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी आपको, मैंने मतलब इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह हो रहा था और मेरा भी मन नहीं कर रहा था। आप लोग भी वैसे देखना नहीं चाहोगे मुझे, क्योंकि मेरा मन नहीं करेगा और मैं ब्लॉग बनाऊंगी और उतरा हुआ चेहरा रहेगा, फेस उतरा हुआ रहेगा, तो इसी वजह से आपका भी मन नहीं करेगा मुझे देखने का। तो फ्रेश मूड में अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो सही रहेगा, इसी वजह से मैंने सोचा जब मेरा बॉडी पेन कम हो जाएगा, क्योंकि सर ने बोला है कि 8 दिनों तक तो आपका होगा ही, जो मतलब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मतलब आपने काफ़ी दिनों के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो इसी वजह से आपका तो बॉडी पेन होना बनता ही है। तो इसी वजह से मेरा बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जो पार्ट की एक्सरसाइज वो ले रहे थे उस दिन के बाद, दूसरे दिन तो वो पार्ट काम ही नहीं करता था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आप ब्लॉग मैं जब भी बनाऊंगी तब फ्रेश मूड, हाँ फ्रेश मूड करके ही ब्लॉग बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आज हाँ हाय हाय, कितने बार करोगे अद्विक? हाय हाय, आपने दिखा दिया ना बेटा, एक बार दिखा दिया ना आपने ये। हाँ दिखा दिया ना आपने, हाँ दिखा दिया, बंदूक दिखा दिया आपकी, सारी चीजें अद्विक की बंदूक ही होती है, एक तो ये स्प्रे बंदूक, लाइटर बंदूक, सारी चीजें बंदूक है ना अद्विक। तो इसी वजह से मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, और आज मैं करने वाली हूँ मंदिर शिफ्टिंग। आप सोच रहे होंगे मंदिर शिफ्टिंग कहाँ पर करने वाली है, तो आज हम लोग, ये घर पे है तो इनकी आज ड्यूटी नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग मंदिर की शिफ्टिंग करने वाले हैं। ड्यूटी नहीं है, पापा की ड्यूटी नहीं है आज। हो काम करता, हो काम करता पप्पा, हाँ झाड़ा ला पानी, हाँ पौधों को पानी दे रहे, इसी वजह से बोल रहा है कि झाड़ा ला पानी दे रहे है। आप का झाड़ा ला पानी? ओके, तो आज इनकी ड्यूटी नहीं है इसी वजह से। हाँ आज तो अद्विक बोलने भी नहीं दे रहा है मुझे। कैसे करना है डांस? डांस करके दिखाओ, डांस डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ, करके दिखाओ, करो डांस, करो कर डांस, कर करून दाखव, तू कसा डांस करत असत? बंदूक बंदूक। ओ तो आज मंदिर की शिफ्टिंग करने वाला है, मंदिर जो जो जगह पर है उससे मतलब स्टोर रूम में उधर रखने वाले हैं, क्योंकि धूल बहुत ज्यादा बैठी है इधर, तो इसी वजह से मुझे पसंद नहीं आता है। और मंदिर अभी भी बनाना बाकी है, मैं दूसरा मंदिर बनाने वाली हूँ, मतलब थोड़ा सा पैक उसे करने वाली हूँ। हाँ अद्विक बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आज, एक मिनट। हाँ का है
अच्छा बंदूक, ये लो तो मार मार, ये मारा, यही इसकी बंदूक अभी दूसरी। तो इसी वजह से मैंने सोचा अभी उधर शिफ्टिंग कर लेते हैं मंदिर की, क्योंकि वहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा आती है और भगवान पर धूल बहुत ज़्यादा बैठती है, तो इसी वजह से। और मंदिर मुझे अलग से बनाना है तो उसे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरा कुछ फर्नीचर बनाना है, तो उसमें ही जब वो फर्नीचर का काम स्टार्ट होगा तो उसी टाइम इसका भी काम कर लेंगे मंदिर का, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप हाउस टूर करवाओ, हाउस टूर करवाओ, तो हाउस टूर डियर मैं करूँगी आपके लिए, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं अपने घर में, कुछ फर्नीचर वगैरह बनाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको अभी मैंने बता भी दिया है कि मंदिर का भी थोड़ा सा काम करना है, तो अभी का तो हम लोग शिफ्ट कर देंगे वहाँ पर, क्योंकि स्टोर रूम में थोड़ा सा, और ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, चेयर लगा कि वहाँ पर चढ़ जाता है और भगवान निकाल लेता है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि उधर स्टोर रूम में तो दरवाज़ा है, तो जब ये आएगा किचन में तो हम लोग दरवाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर, इसी वजह से हमने सोचा कि वहाँ पर ही हम लोग मंदिर शिफ्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा अलग से भी हो जाएगा उधर, तो इसी वजह से ठीक रहेगा मंदिर का। अरे गिर गया आदमी। तो चलिए फिर, ऐसा है आज का दिन, और खाना मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, अभी थोड़े लेट होगा खाना भी, तो इसी वजह से पहले तो क्या करते हैं कि मंदिर शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं मंदिर शिफ्ट करते हैं। मंदिर शिफ्ट करने से पहले मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी ये बोल रहे कि नींबू पानी बना दो उनके लिए, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ नींबू पानी। तो चलिए फिर बनाते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मंदिर सेट हो गया है। और जैसे कि मैंने आपसे मंदिर ऑर्गेनाइजेशन वाले ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरे जो भगवान है वो पीतल के हैं सारे, तो इसी वजह से मैं उन्हें पीतांबरी से नहलाती हूँ। पहले पीतांबरी से साफ़ करती हूँ, उसके बाद अच्छे से उन्हें क्लीन करती हूँ और उसके बाद अपने जगह पर उन्हें रखती हूँ और पूजा करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने आज भी किया है और मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया था पहले, तो आपके साथ अभी शेयर नहीं किया। और मैंने लगे हाथ ये स्टोर रूम भी, मतलब जो डिब्बे है वो भी साफ़ कर लिए है। और उस टाइम ट्राइपॉड रखने के लिए वहाँ पर जगह नहीं थी, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो आपने देख लिया, मंदिर तो सेट हो गया है और थोड़े से चेंजेस करना भी ज़रूरी होता है, इसीलिए थोड़े चेंजेस किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हो। मैंने लगे हाथ स्टोर रूम भी साफ कर ली है, मतलब स्टोर रूम तो नीचे नीचे का साफ करना ही था, तो स्टोर रूम भी साफ कर ली। और जो डिब्बे थे मेरे स्टील के, तो उस पर भी थोड़ा सा गीला और सूखा कपड़ा मार के उसको भी साफ कर लिया है लगे हाथ। मैंने सोचा कि अभी कर ही रही हूँ तो सारा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर एक का हो जाता है और दूसरे का रह जाता है। इसी वजह से मैं एक बार करने लगती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी से दूसरा भी काम कर लेती हूँ, तो इसी वजह से मैंने वो काम कर लिया अभी। और खाना अभी भी बाकी है, बिल्कुल खाना नहीं है पेट में, तो इसीलिए मतलब एनर्जी पूरी चली गई है। अभी नेल पॉलिश चेंज करने वाली थी, बट आप देख सकते हो नेल्स की हालत क्या हो रही है, क्योंकि मैंने अभी भगवान के जो बर्तन है वो भी साफ कर लिए है और भगवान थोड़े से साफ किए, थोड़े से माही ने भी हेल्प की मेरी करने के लिए, तो इसी वजह से नेल्स का शेप पूरा बिगड़ गया है आप देख सकते हो, और नेल पॉलिश भी पूरी निकल गई है। बट अभी नेल पॉलिश चेंज करने वाली थी, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा नेल पॉलिश चेंज करने का, और काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। आप चेहरे से देख भी रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ आज। एक सेकंड में बैठ जाती हूँ फिर बात करती हूँ आप। और ये जगह आप देख सकते हो खाली खाली लग रही है, यहाँ पर फोटो लगा दिया है इन्होंने, तो ये जगह थोड़ी खाली खाली अभी लग रही है। मैंने सोचा यहाँ पर डाइनिंग रख देती हूँ, बट अभी यहाँ पर फोटो भगवान के लगा दिए, तो ऑनेस्टली बता दूँ कि हम लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं डाइनिंग पे बैठ के, तो इसी वजह से मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वहाँ पर डाइनिंग रखूँ और वहाँ पर ही हम लोग फोटो वगैरह है भगवान के और वहाँ पर ही नॉन वेज वगैरह खाए, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर फोटो नहीं मतलब सॉरी फोटो क्या बोल रही हूँ मैं डाइनिंग नहीं रखा है। तो वैसे मेरा मन वहाँ पर डाइनिंग रखने का था, तो देखते थे कि वहाँ पर कैसा लगता है डाइनिंग, आपको भी दिखाते थे डाइनिंग कैसा लगता है वहाँ पर, लेकिन ये बोल रहे थे कि फोटो लगाने के लिए जगह ही नहीं थी, इसी वजह से वहाँ पर जो पहले की जगह थी मंदिर की, तो वहाँ पर ही हमने फोटो लगा दिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा मंदिर की शिफ्टिंग और ये, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि वहाँ पर अच्छा लग रहा था मंदिर या यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता चले कि सही जगह है या मंदिर की नहीं है, क्योंकि जो मेरा घर है ना वो पूरब पश्चिम का जो दिशा होती है उसी साइड में, मतलब पूरब की तरफ मुंह करके मेरा घर का जो दरवाजा है तो वो पूरब की तरफ आता है, तो इसी वजह से जो साइड है तो जो साइड में मैंने अभी रखा है तो उस साइड में भी मंदिर सही रहता है, मतलब पूरब की तरफ मुंह करके मंदिर सही रहता है और एक पश्चिम की तरफ मुंह करके मंदिर सही रहता है, तो ये दोनों जगह सही रहती है। तो मेरे पहले भी जगह सही थी, वो पश्चिम की तरफ मुंह था मंदिर का। और हाय गाइज, हाँ अभी अद्विक ने तो नहा लिया है और क्या दिखा रहे हो, बिस्किट। ओके कौन सा है, अच्छा ओके यूनिविक, अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी है, हाँ बताओ बताओ टेस्टी है या नहीं। टेस्टी है हाँ। और ये जो अभी का मंदिर है वो भी दिशा सही है, तो दोनों सही है, बट कौन सी जगह पे अच्छा लग रहा है ज्यादा तो वो जरूर बताना मुझे। और बस बाकी तो अभी कुछ नहीं है बताने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बाकी 6 o'clock को मुझे जिम भी जाना है, 6 बजे जाती हूँ मैं अभी जिम, तो ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, तो अभी मैं ना खाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, थोड़ी सी रेस्ट हो जाने के बाद फिर जाऊंगी जिम। तो जिम से आने के बाद कुछ इतना खास नहीं रहता है, आपने बोला था मुझे रूटीन शेयर करो, एक दिन लाइव आऊंगी, अगले संडे लाइव आऊंगी, तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि मेरा रूटीन क्या होता है दिन भर का,
मतलब किसी ने मुझे बोला था कि आपका सुबह से लेके शाम तक का मतलब रात तक का रूटीन शेयर करो, तो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उनका। पूरा भर लिया, पूरा भर लिया, तो जरूर शेयर करूंगी मैं आपके साथ। उन्होंने बोला था कि लाइव में शेयर करो, तो अगले संडे लाइव आऊंगी तो जरूर मुझसे मतलब मैं आती हूँ 10 बजे। मैंने अभी सोचा है कि मैं संडे के संडे लाइव आऊंगी और 10 बजे आऊंगी रात के। संडे ज्वाइन करना जरूर, मुझे 10 बजे वेट करना, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको 10 बजे से थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट भी हो सकता है, पहले तो नहीं होगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो इसी वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैं सोच रही हूँ कि लाइव संडे के संडे आया करूँ। और बस यहाँ पर माही और अद्विक है अभी, उसके पापा थोड़ा देर बाहर गए हैं कुछ लाने, तो इसी वजह से। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर खाना खा लेती हूँ मैं पहले, तो और उसके बाद रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर जाना है जिम भी। अभी घर पे ही ज्यादा कसरत हो गई है। हाँ आली मम्मा, तो घर पे ही ज्यादा कसरत हो गई है, तो जिम में जाके अभी एनर्जी रहेगी या नहीं रहेगी, बट अभी थोड़ा सा खाना खाने के बाद शायद एनर्जी आ सकती है। हाय कितनी बार बोलोगे अद्विक, आज तो ज्यादा बार, उस दिन लाइव आई थी मैं, आपने बोला नहीं उस टाइम। हाँ कितना कितना वेट कर रहे थे सब हाय बोलने का। हाँ अभी हाय बोल रहे हो, अभी अभी हाय बोल रहे हो। हाँ उस दिन कितना वेट कर रहे थे सब हाय बोलने का आपका। हाय मनु दे बोल रहा है, हाय बोलने दो मुझे। हाँ बोलो हाय। हाँ हाय तो गाइस हाय गाइज, हाँ बोलो। हाय 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 गाइज, हाँ अभी बाय गाइज बोल दो, बाय गाइज। गाइस तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, अभी खाना खाती हूँ थोड़ी एनर्जी आ जाए, और इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में मेरे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। सब्सक्राइब बोलो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, लाइक, लाइक, शेयर, लाइक, लाइक, ऐसे लाइक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। हाँ अभी अद्विक ने बोल दिया तो आपको करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। तो चलिए फिर बाय बाय। बाय।